वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी, काइंडली आप हमें रिव्यू दे दें न्यूट्री फैक्टर्स की, जो मैं सप्लीमेंट्स दे रही थी। तो ढेरों सारे कमेंट्स, ढेरों सारे मैसेजेस, ढेरों सारे DMs इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के लिए कर दिया जाए। तो ये है वो सप्लीमेंट्स जो मैं ले रही थी, जिन लोगों ने पहले नहीं देखा वो अभी देख लें, और बाकी जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं कि मैं ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मैं ये सप्लीमेंट्स क्यों ले रही हूँ, आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कमेंट्स में आके क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि आप पूरी वीडियो को डिटेल में देख लें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट करके कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट में जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई दे दूंगी। लेकिन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए सामने इसीलिए लेके आई हूं मैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए। स्किन की बात कर लें तो ये इस तरीके से कुछ दिखती है, ठीक हो गया जी। इसमें टोटल 60 टैबलेट्स होती हैं। न्यूट्री फैक्टर के बारे में हर कोई जानता होगा, क्योंकि न्यूट्री फैक्टर के पास जो है ना वो ढेरों काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स हैं, और इसमें इसको मेल भी ले सकते हैं, इसको फीमेल भी ले सकते हैं। मैंने जो सप्लीमेंट्स मंगवाई थी वो है ये न्यूट्री फैक्टर की न्यूट्री कोलेजन वाली, ठीक है। मैंने स्पेशली किस लिए मंगवाई थी, शादी से पहले मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, मैं ऐसे करती थी तो बाल आ जाते थे हाथ में, लेकिन आप देखें अभी ऐसे करने से मेरे बाल नहीं आते, मेरे नाखून बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, ठीक हो गया जी। स्किन में जब आप 20+ हो जाते हो ना, तो आपका कोलेजन का जो लेवल है ना वो आराम आराम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो 20+ के बाद से आपको अपने कोलेजन को जो है वो मेंटेन रखना होता है, उसके लिए जो है वो आपको अच्छी से अच्छी डाइट भी बहुत अच्छी रखनी होती है, उसके साथ कुछ ना कुछ आपको ऐसा लेना होता है जिससे आपका कोलेजन जो है ना वो बैलेंस रहे। तो उसके लिए मैंने ये सप्लीमेंट्स मंगवाई थी, और ये बहुत अच्छी हैं। जिनको स्किन का मसला है, जिनको हेयर्स का मसला है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जिनके नेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात जो इसमें है वो है कोलेजन की, कि 20+ के बाद से जब आप 21, 22, 23 के होते हो, तो आपका कोलेजन जो है ना वो इनबैलेंस हो जाता है, लाइक डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको इस तरीके की सप्लीमेंट्स ले लेनी चाहिए। और पहली दफ़ा मैं इस तरीके पाकिस्तान में कोई देख रही हूँ ब्रांड न्यूट्री फैक्टर के, जिनके पास जो है ना वो कोलेजन को बैलेंस रखने के लिए इतनी अच्छी सप्लीमेंट्स है, और इसके कोई भी एडवांटेजेस नहीं है। मैंने यूज़ किया है, अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करी हूँ। न्यूट्री फैक्टर ने मुझे कोई आके स्पॉन्सर नहीं किया कि आप मेरी वीडियो बना दे, जो मुझे अच्छा लगा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। बाकी पूरी डायरेक्शन पीछे लिखी हुई है कि कौन कौन इसे ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, और अगर किसी को लेना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ले सकता है। और पीछे सबको लिखा है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फिटिंग, तो आप ये मेडिसिन जो है वो नहीं ले सकती। अगर आपको लेनी भी है ये सप्लीमेंट्स, तो अपने डॉक्टर चीज़। और ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये आपको MPT स्टमक लेनी होती है, लाइक अगर आप दोपहर का खाना खाने लगे हो तो आप 30 मिनट्स पहले इसको ले लो, आपने उस वक्त तक हल्का फुल्का नाश्ता किया, और आपको दो जो है वो सप्लीमेंट्स लेनी होती हैं। और इसमें टोटल आती हैं 60 सप्लीमेंट्स जो डेली की आपको 2 लेनी होती हैं। रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे चाहिए तो एक मंथ प्रॉपर यूज़ करें, सेकेंड मंथ में ये होगा कि आप खुद बोलेंगे नहीं यार मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं डेफिनेटली इसको ऑर्डर करूँगी। ऑर्डर कैसे करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह होंगे, आप जाके मैसेज करके पूछ के जो है वो इनसे ऑर्डर कर सकते हो। जी ये बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी कि पाकिस्तान में जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है ना वो कोलेजन की सप्लीमेंट्स हैं जो इतनी लो कॉस्ट में आपको मिल रही हैं, तो ऐसा मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा। और कोलेजन क्या होता है, जब आपका कोलेजन कम होता है तो आपकी स्किन जो है ना वो एंटी एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको रिंकल्स आ जाते हैं, 100 तरीके के मसले आ जाते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स जब आप लेते हो तो आपका कोलेजन लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। इसमें विटामिन सी भी है, उससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो एंटी एजिंग से बचेगी, और जो रिंकल्स वगैरह आते हैं वो काफ़ी हद तक आपके जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे आना, मतलब इतनी जल्दी। जैसे आप 21 जब आप 23 24 पे आ जाते हो ना, तो आपकी स्किन में 100 तरीके के जो है ना वो मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ को प्रॉपर लोगे, प्रॉपर फॉलो करोगे, तो आपको जो है ना वो इस तरह के मसले मसाइल कभी भी नहीं होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है विटामिन सी, जो हमें इतनी अच्छी और इतनी लो कॉस्ट में हमें इतनी अच्छी सप्लीमेंट्स मिल रही हैं जिसमें जो है वो विटामिन सी भी अवेलेबल है। इन सप्लीमेंट्स को लेने से कोलेजन लेवल बैलेंस होता है, इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी से ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना आपकी स्किन जो है वो यूथफुल, यंग, सुपर ग्लोई, फ्रेश सी लगती है। गोरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन फ्रेश हो, आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एंटी एजिंग नहीं हो, आपका रंग काला है, गोरा है, डजंट मैटर। आपकी स्किन जो है वो ऐसे ग्लास की तरह साफ होनी चाहिए, कुछ इस तरीके के मसले मसाइल नहीं होने। कलर का इतना
मेरी नज़र में इफेक्ट नहीं करता, आपका रंग गोरा है आप जब भी प्यारे लगते हो, आपका रंग काला है जब भी आप प्यारे लगते हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लोई दिखनी चाहिए, यूथफुल बेबी स्किन जो होती है ना उस टाइप से दिखनी चाहिए। और इसमें जो है वो बायोटिन है, बायोटिन हमारे हेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सब लोग जानते होंगे। इन सप्लीमेंट में विटामिन सी भी है, कोलेजन भी है और क्या है बायोटिन। बायोटिन से क्या होता है, आपका हेयर लॉस जो होता है वो हेयर लॉस होना कम हो जाता है, आपके बाल जो इतने पतले से होते हैं वो जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे बाल भी देखिए बहुत ज़्यादा थिन है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है। मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ, करती रहती हूँ, डाई करवा लिए, रिबॉन्डिंग करवा ली, जिसकी वजह से बहुत से केमिकल लगते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हेयर लॉस होना तो जो है ना वो बनता ही है। लेकिन इन सप्लीमेंट को लेने से मुझे क्या हुआ कि मैं ऐसे करती थी ना शादी से पहले, ऐसे मेरे बाल ऐसे हाथ में आ जाते थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रिसेंटली केराटिन करवाया है, उसके बाद से मेरे बाल एक तो वैसे भी उनमें थोड़ी शाइन आ गई और मेरे बाल जो है ना वो टूटना भी बंद हो गया और पीछे से ये देखें आप अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ गया है। अब आजकल क्या हो रहा है कि मैंने करवाए हुए थे एक्रेलिक्स, एक्रेलिक के बाद मेरे नेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूटने लग गई हैं। आप देखिए वैसे ही मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, जैसे बच्चों के नेल्स होते उस तरीके से, लेकिन मेरे नेल्स जो है ना वो टूटने लग गए थे। अभी इनको ले रही हूँ मैं कॉन्टिन्यूसली तो मेरे नेल्स भी काफ़ी हद तक मेरे नेल्स जो है ना वो देखिए आप बेहतर हो गए हैं, बाल आप लोगों के सामने हैं। स्किन का मैं क्या बताऊँ, वो दिन रात आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते हो, रैंडमली मैं कभी भी ब्लॉग बना लेती हूँ तो स्किन आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह स्किन पे कोई इशू नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डाइट को भी जो है ना वो कभी कभी ऊपर नीचे कर देती हूँ लेकिन मैं स्किन केयर बहुत अच्छी लेती हूँ, पानी में बहुत ज़्यादा पीती हूँ इसीलिए मेरी स्किन इतनी अच्छी है। उसके अलावा आपने सप्लीमेंट्स भी लाजमी लेनी है, सप्लीमेंट्स के साथ अपनी डाइट भी अच्छी करनी है, इसी के साथ जो है ना वो आपकी स्किन अच्छी होगी। आप सप्लीमेंट्स ले लो, आपकी डाइट अच्छी ना हो, आप पानी कम पी रहे हो तो मेरी जान सप्लीमेंट आपके लिए काम नहीं करेंगे, आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। कभी कभार चलो आपने आउटिंग कर ली, कुछ खा पी लिया, ठीक है आजकल मेरी डाइट अच्छी नहीं है मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं स्किन केयर बहुत अच्छी करती हूँ, मैं पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ, जितना मुझसे पानी हो सकता है मैं पीती हूँ, उसके साथ मैं ये सप्लीमेंट ले रही हूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यू था, जो रिकमेंडेशन मांगेंगे मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ये ले सकते हो, और अगर आप नॉर्मल हो और आपको कोई मसला मसाइल है, आप मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो या और कोई इशू नहीं है तो आप भी डेफिनेटली ये टेबलेट्स ले सकते हो, उसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। जो इधर प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं उनको आप फॉलो करके और फिर आप अपनी जो है ना वो सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर सकते हो। ये मेरा रिव्यू था न्यूट्रीफैक्टर की प्रोडक्ट्स के अबाउट, सप्लीमेंट के अबाउट जो मैंने यूज़ की, मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी शेयर करें तो मैंने सारा शेयर कर दिया। मेल भी ले सकते हैं इसको, फीमेल भी ले सकते हैं, 20+ के बाद से आप न्यूट्रीफैक्टर की कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हो, कोई भी मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार फीमेल ही यूज़ कर सकती, नहीं यार मेल को भी हेयर लॉस का मसला होता है, मेल्स को भी नेल जो है वो टूट जाते हैं, नेल वीक होते हैं उसका मसला होता है, मेल की स्किन भी है अक्सर 20 के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो वो भी ये टेबलेट्स, ये मेडिसिन सप्लीमेंट्स इनको कह लें, जो भी आप कहना चाहें, फूड सप्लीमेंट्स जो है ना ये कैप्सूल्स आप ले सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू, आई होप आपको मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मुझसे बींग ऑनेस्ट मैं जितना अच्छा करके एक्सप्लेन कर पाई मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।